ओम नमः शिवाय। अक्सर एक क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि जी हम रेमेडीज कर तो रहे हैं लेकिन उन रेमेडीज का कोई फर्क नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। इसके लिए एक चीज समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रेमेडीज हमें बताई गई हैं वो क्या एस्ट्रोलॉजर ने सही रेमेडी बताई है। नंबर दो, जो रेमेडी बताई है क्या हम उसको सही तरीके से कर रहे हैं। तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए एक बीमारी लगी और हम डॉक्टर के पास गए, तो अब आप पहले ये देखिए कि डॉक्टर ने क्या उस बीमारी को सही डायग्नोस किया। नंबर दो, क्या उसने सही डायग्नोस करके सही दवाई दी। नंबर तीन, उसने अगर हमें कुछ प्रिकॉशंस बताएं तो क्या हमने वो प्रिकॉशंस मानी। अगर हम वो तीनों मान लेते हैं, वो तीनों चीजें सही होती हैं, तो हम उस बीमारी से बाहर निकल आते हैं, हम ठीक हो जाते हैं, दवाई लग जाती है। ठीक इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी अगर कोई रेमेडी बताई जाती है तो पहली बात ये इंपॉर्टेंट है कि उसने सही बताई हो रेमेडी और हमने सही तरीके से की हो। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सूरज को जल चढ़ाना। आमतौर पर जिस इंसान में कॉन्फिडेंस कम होता है या बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है या उसकी अपने फादर से बनती नहीं है, आपस में लड़ाई झगड़ा रहता है या ईगो का क्लैश रहता है, या वो इंसान डरता है, भीड़ में जाने से घबराता है, नौकरी में कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, तो आमतौर पर हम उस इंसान को सूरज को जल चढ़ाने की सलाह देते हैं, ऐसा उपाय बताते हैं। अब आप ये देखिए, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि जो सूरज को जल चढ़ाया जा रहा है क्या हम उसमें पूरी प्रिकॉशंस ले रहे हैं। जैसे कि जब आप जल चढ़ाते हैं तो मैंने कई बार लोगों को देखा है कि वो बस जल्दीबाजी में किसी भी टाइम उठे और जल चढ़ा दिया और वो अपने पैरों में गिर रहा होता है। आप ये देखिए कि वो जल अभिमंत्रित जल है, आप सूरज को उपासना करके उसका ध्यान करके उसे वो जल चढ़ा रहे हैं, आप उसे अपने पैरों में कैसे गिरा सकते हैं। उसका एक तरीका है कि उस पानी को इकट्ठा करें, उसे पैरों में या नीचे किसी और के पास ना डालें और उसको इकट्ठा करके एक गमले में डालें, सो दैट उसका एक सही उपयोग हो और उसका अनादर ना हो। दूसरी बात ये कि जब आप जल चढ़ाते हैं तो सुबह उगते हुए सूरज को जल चढ़ाना होता है, जिस टाइम में सूरज लाल रंग का होता है। क्यों कहा जाता है ऐसा? क्योंकि उस टाइम में जो सूरज की रेज निकलती हैं, वो उन रेज से आपकी बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम दूर होती है, विटामिन डी बहुत ज्यादा होता है और विटामिन डी जो है वो आपकी बॉडी को फायदा करता है, आपकी हड्डियां अपने आप ही मजबूत हो जाएंगी। सुबह जल्दी उठेंगे, सन उस टाइम पे निकला हुआ, सूरज निकलते के वक्त आप उठ रहे हैं तो अपने आप से आपकी तबीयत भी ठीक रहेगी। तीसरी बात ये कि जो ये सूरज की किरणों के अंदर सात रंग का एक समावेश होता है, वो एक कलर थेरेपी का भी काम करता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जितनी भी चीजें बनाई गई हैं, पहली बात यह है कि हम क्या उन्हें सही तरीके से कर रहे हैं, जितनी भी प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए क्या हम वो ले रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि इन उपायों का असर हो तो ये सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट एपिसोड में हम ऐसी किसी और रेमेडी के बारे में फिर से चर्चा करेंगे। ओम नमः शिवाय।